नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कहे जाने वाले संदीप सिंह ने आखिरकार लंबे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। लगातार लोगों द्वारा कई आरोप उन पे लगाए गए थे, क्योंकि मीडिया संस्थानों को जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए उसमें जो बयान उनके थे वो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। तमाम आरोप जो लोगों ने उन पर लगाए हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है। पहला आरोप जो उन पर लग रहा था वो ये था कि जब कॉल डिटेल सामने आई थी सभी के सुशांत सिंह राजपूत की, तो उसमें बात साफ हो गई थी कि संदीप सिंह ने पिछले एक साल में सुशांत से एक बार भी बात नहीं की थी। दूसरा आरोप उन पर लग रहा था कि एम्बुलेंस ड्राइवर से उन्होंने 4 से 5 बार फोन पर बात क्यों करी। और तीसरा आरोप ये लग रहा था कि सुशांत के परिवार ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो संदीप सिंह नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते, उनके ख्याल से वो सुशांत का दोस्त नहीं था। साथ ही रिया चक्रवर्ती ने भी ये कहा था कि उन्होंने सुशांत के मुंह से कभी भी संदीप सिंह का नाम नहीं सुना, संदीप सिंह नाम के किसी शख्स को नहीं जानती है, जिसके बाद उन पर जो शक था वो गहराता जा रहा था। साथ ही में लोगों ने ये कहा कि अगर वो उनके इतने करीबी दोस्त नहीं थे तो क्यों वो 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी वो आगे बढ़ करके परिवार की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। इस पे आखिरकार संदीप सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। ANI को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़े बातें कबूली भी हैं और साथ ही में बताई भी हैं और साफ कर दिया है कि आखिरकार वो एम्बुलेंस ड्राइवर से क्यों बात कर रहे थे। उनकी एक वीडियो जो वायरल हो रही थी जिसमें वो अंगूठा दिखाते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुंचा और गाड़ी से नीचे उतरा तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुंचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं जोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह। किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पर सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आँख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं। जिन लोगों ने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि जो एलिगेशंस आप इस वक्त लगा रहे हैं आप उस वक्त सुशांत के घर या फ्यूनरल पे क्यों नहीं पहुंचे या हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं वो लोग हैं जो सुशांत के फ्यूनरल पर भी नहीं गए थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट संदीप सिंह ने किए हैं। पहला पोस्ट जो उन्होंने किया है वो कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं सुशांत के साथ उनकी चैट के, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मेरे 20 साल की इमेज और मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया मेरी चुप्पी ने। मुझे नहीं पता था कि आज के समय में दोस्ती के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आज मैं हमारी प्राइवेट चैट सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बस अब यही तरीका बचा है हम दोनों की दोस्ती की गवाही देने का। तो ये जो चैट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि वो सुशांत से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनको अच्छा दोस्त समझें और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो तो वो उनको ज़रूर बताएं। इस पर सुशांत उनको जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके दोस्त जो उनके होने चाहिए वो नहीं है और साथ ही में शेट्टी के अलावा अगर उनका कोई और दोस्त है तो वो है और वो हमेशा ही उनकी ज़िंदगी में उनका वेलकम करते हैं। दूसरी चैट जो यहाँ पे साझा करते हैं संदीप सिंह वो उनकी बहन मीतू सिंह के साथ है, जिसमें मीतू सिंह उनसे बात कर रही हैं, साथ ही में सुशांत के डेथ सर्टिफिकेट को भी मंगवा रही हैं, ये भी पूछ रही हैं कि क्या संदीप ने एम्बुलेंस ड्राइवर की पेमेंट की या नहीं की। तो एक तरीके से जो आरोप उन पर लग रहे थे कि कोई उन्हें नहीं जानता था सुशांत के परिवार में, उसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ वो मानते हैं कि वो सुशांत के परिवार को नहीं जानते थे और सुशांत का परिवार भी उन्हें नहीं जानता था। लेकिन जब उन्हें सुशांत की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और एक दोस्त होने के नाते वो उनके परिवार का साथ देना चाहते थे और भीड़ का हिस्सा बनना चाहते थे और इसीलिए वो वहाँ पहुँच गए और बढ़ चढ़ कर परिवार की मदद करते हुए वो नज़र आए। तो पूरी तरीके से अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को यहाँ पे उन्होंने खारिज कर दिया। साथ ही में वो ये लिखते हैं कि मैं बस यही चाहता था कि मीतू दीदी जो कि उनकी बहन थी सुशांत सिंह राजपूत की और उस दिन अकेली थी कि वो उनका साथ दे सके। साथ ही में वो लिखते हैं मुझे नहीं पता था कि उनका साथ देने और उनके साथ खड़े होने से बेहतर ये होता कि मुझे बाकी दोस्तों के आने का इंतजार करना बेहतर होता। साथ ही में उन्होंने अपने ऊपर लग रहे सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। कई लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि संदीप सिंह पर मॉरिशस में
कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के केस चल रहे हैं, जिसपे उन्होंने एक लेटर साझा किया जो कि मॉरिशस पुलिस की तरफ से था, जिसमें कहा गया है कि संदीप सिंह पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा, कोई भी शिकायत नहीं दर्ज की गई है। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े तमाम अपडेट्स और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।